महोबा के कुलपहाड़ का इपको खाद केंद्र। फसल काटने के बाद किसान यहाँ पर सरकारी रेट में अपनी फसल बेचने आते हैं। एक दिन में यहाँ अनगिनत किसान आते हैं, इसलिए तौल कराकर बेचने तक के लिए नंबर आने में कई दिन लग जाते हैं। यहाँ आए किसानों का आरोप है कि कुछ किसान सत्ता के बल पर या फिर पैसा देकर बगैर नंबर के गेहूँ तौल कराकर बेच जाते हैं। किसानों के बारे में आपका क्या कहना है? किसानों के बारे में मैडम हमारा ये कहना है कि जैसे मान के चलो किसान परेशान था, 3 साल से मेहनत मजदूरी करके है, जो और लगन से मतलब है किसान हम खेती की है और अनाज हुआ है। बाबू लोग कहते हैं कि मतलब है जो अनाज है जो गीला है, अब बताइए कि गीला कहाँ से हो जाएगा, जब हम जैसे ही थ्रेसर कट के आए हुए वैसे ही जो अनाज लेके आए हैं तो गीला कहाँ से हो जाएगा। बोरी कितनी ग्राम की है? बोरी 150 ग्राम की है। और तौला कितना जा रहा है? 50 किलो 300 ग्राम। क्यों लिया जा रहा है एक्स्ट्रा? ये बता रहे कि सूखे नहीं सुखा रहे, जबकि माल सूखा है। इसको वैसे तौल तो जब कांटे से हो रही तो सही चाट होना चाहिए पूरी पूरी। हम तो गेहूं की वैरायटी देख के तौल रहे ना, अगर वो गीला है तो उस हिसाब से तौलेंगे। सही है तो 50 150। वे तो सबको कह रहे, सबकी तौल एक सी ले रहे सचिव जी, सबकी एक सी ले रहे, नहीं तो सबको सूखो और की को भी है। देखो आप वे तो कह दे कि नमी के कारण हम ले रहे हैं 300 ग्राम वैसे ही निकाल रहे हैं, तो ये उनको नहीं करना चाहिए। हम लोगों का जो तकलीफ होती है और जो लेकिन क्या है मजबूरी है, जैसा वो करते हैं वैसा मानना पड़ता है। परेशान है, खर्च पानी की भी ज़रूरत है। 3 साल से जब पैसा नहीं हुआ है, खेती नहीं हुई है, तो फिर उसके लिए कर्जा देना है, कहीं किसी का पैसा देना है, कहीं बच्चों के हिसाब से खाने पीने का देना है, इसलिए जो मजबूरी है हमारी कि वहाँ देना पड़ रहा है। हम तो गेहूँ फटक के देख लेते कि गेहूँ इसका गीला है कि वो है, जिसका सही है तो उसका 50 150 जैसे हर बोरी में 150 ग्राम चला जाएगा, उसकी 100 100 बोरी निकल रहे हैं। एक एक ठेला पे हमारी अगर 2 क्विंटल घट गई तौल तो ये कौन भुगतेगा? भुगतेंगे तो हम ही नहीं भुगतेंगे, किसान तो उतना तौल के चला गया घर। अगर वहाँ तौल घटी तो वो तो मुझे लगेगा पैसा, नहीं लगेगा आप बताइए। आप